हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पहले जो भारत शासन अधिनियम 1919 था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल लेवल पे तो लोगों को, इंडियंस को छूट नहीं दी, लेकिन स्टेट या प्रोविंसेस लेवल पर एक डायरकी स्टैब्लिश कर दी, एक द्वैत शासन स्थापित किया और राज्यों में इलेक्शंस करवाने की बात कही कि मतलब यहाँ पे एक डायरकी, एक द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो है भारतीय नेताओं ने जो है वो केंद्र के लेवल पे, मैंने पिछले कई सारे वीडियोज में बताए थे कि केंद्र में भी सरकार स्थापित करने की बात करनी शुरू की कि केंद्र में भी हमें शासन करने और जो है सेंटर और एक गवर्नमेंट स्टेबल करने की छूट दी जाए। और इस आधार पर इन्होंने कई सारे कमीशन इंडिया में भेजे, कई सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई और उस आधार पे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसी क्रम में 1927 में भारत की पॉलिटिकल पार्टीज से सलाह मशविरा करने के लिए एक कमीशन भेजा गया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। 1927 में सेटअप हुआ था और 1928 में यह भारत विजिट करता है, लेकिन पूरे इंडिया में इसका विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसका रीजन था कि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे अंग्रेज या गोरे लोग थे। भारतीय लोगों का कहना था कि भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए, सलाह मशविरा के लिए जो कमीशन आ रहा है उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। इसीलिए साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस तो गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी वहां पर जाके 1929 में, जब वापस गया तो 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लेकिन इसी के साथ उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉरेंस डंडास ने भारत के नेताओं को, और उस समय भारत के जो, जिस समय कमीशन आया था उस समय भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था लॉर्ड वकरनहड, उन्होंने भारत के नेताओं को, कांग्रेस को स्पेशली चैलेंज दिया कि अगर तुम लोगों को इतना ही विरोध करना है तो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनाते। इसीलिए कांग्रेस ने अपने ही एक लीडर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमीशन सेट किया और उसने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और वो भारत के संविधान बनाने के भारतीयों द्वारा पहली प्रक्रिया थी। वैसे तो इसको ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने खारिज कर दिया क्योंकि जब तक इसने रिपोर्ट प्रोड्यूस की तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू जी के ही पिता बेटे थे, उन्होंने भारत में एक पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी, जबकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। और जिन्ना ने भी इसको खारिज कर दिया नेहरू रिपोर्ट को, उसका कारण था कि उनको लगता था कि नेहरू रिपोर्ट में माइनॉरिटीज को या मुस्लिम को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। फिर भी नेहरू रिपोर्ट आई और उसका काफी मायने है क्योंकि यह किसी भारतीय द्वारा भारत के लिए पहला कानून बनाने की कोशिश थी। नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन के विरोध में अपना एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसको बोलते हैं 14 सूची की मांग थी। ये 14th पॉइंट एक तरह से डिमांड थी जिन्ना की, तो 14th पॉइंट डिमांड उन्होंने 14 मांगों का एक पत्र रख दिया जिन्ना ने, और इन सब को कंबाइंड करके ब्रिटेन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और साथ ही साथ जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके आधार पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1933 में, और उसके बाद एक कमेटी बनाई, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इन सब को समअप करके जो भारत का कानून बना उसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, व्हाइट पेपर पब्लिश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1933 एंड रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटीज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 पॉइंट की डिमांड, इन सब को समअप करके एक कानून प्रोड्यूस किया गया भारत के लिए जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो प्रोविजंस हैं
जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो भारत का संविधान बना उसमें 395 आर्टिकल थे, जिसमें से 250 या तो एग्जैक्टली या थोड़ा बहुत हेर फेर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का है, तो आप कहोगे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। तो इस ज्वाइंट रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। और अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका एम था टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द इंडिया, जो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो लगातार प्रोविजन बना रही थी। आपको मैंने बताया पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, या भारत इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं। उसके बाद फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, या इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें कि प्रोविंसेस में जो है वो डायरेक्टली स्थापित की गई। और उसके बाद ये आया है फर्दर प्रोविजन कर इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका एम था टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द इंडिया, इंडिया के लिए अब कुछ नया प्रोविजन बनाएगा। ये इनेक्टेड किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटेन की संसद के द्वारा। इसको रॉयल एसेंट या राजा या रानी जो ब्रिटेन की थी उस समय मल्लिका विक्टोरिया या विक्टोरिया थी, उनकी साइन उस पर हुई 24 जुलाई 1935 को। रॉयल एसेंट मिला, या इसको कह सकते हैं राज महारानी का जो एसेंट या सहमति मिली वो मिली 24 जुलाई 1935 को। और ये भारत में कमेंस हुआ 1 अप्रैल 1937 से, 1937 की 1 अप्रैल को ये भारत में लागू हुआ। इस पर यह भी लिखा गया स्टेटस रिपील ऑन द 26 जनवरी 1950। भारत जब गणतंत्र हो गया तो ब्रिटेन के सारे कानून खत्म हो गए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी एबॉलिश करने की पावर दे दी थी। तो इस तरह से अब ये कानून खत्म हो गया, लेकिन इसका रिपरकेशन जो इसका जो प्रभाव है वो भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी से 250 आर्टिकल कॉपी किए गए हैं। लेकिन मूल रूप से ये 26 जनवरी 1950 को खत्म कर दिया गया। इसमें कुल 321 आर्टिकल थे और 10 शेड्यूल थे। 10 शेड्यूल में 321 आर्टिकल को डिवाइड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1935 बनाया गया था। अब मेन करके इसके प्रोविजंस को समझते हैं कि मेन प्रोविजंस क्या थे, मुख्य बिंदु क्या थे, और बाकी तो ये एक पूरा भारी सा लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए जो प्रोड्यूस किया गया। इसके बाद कोई लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए प्रोड्यूस नहीं किया, या कोई इतना बड़ा कानून फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के द्वारा लिए नहीं बना। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके प्रोविजंस को आप समझते जाइए कि क्या क्या प्रोविजंस इसके द्वारा किए गए। सबसे पहले तो क्या किया गया, इसमें यह कहा गया था कि वर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, वर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया गया और एक नए देश की तरह उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, एक नया स्टेट की तरह इसको स्टेबल कर दिया गया। और इस तरह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या भारत के सेक्रेटरी का पद था, अब इस एक्ट के बाद 1937 से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वर्मा कहा जाने लगा। ठीक है, जो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा कहा जाएगा। और इस पद पे सबसे पहले नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम था लॉरेंस डंडास। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा जो सबसे पहले हुए उनका नाम था लॉरेंस डंडास। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉरेंस डंडास थे, ये भारत के साथ साथ बर्मा के भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो इंडियन काउंसिल होती थी, या कह सकते हैं कि इंडिया भारत के गवर्नर की जो भारत परिषद होती थी उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। देखिए कट कर दिया गया है, इंडियन काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया और इसकी जगह ली एडवाइजर्स ने। कुल 6 एडवाइजर नियुक्त कर दिए गए गवर्नर के सहायता के लिए। अभी तक ये जो गवर्नर की कार्य परिषद थी या इंडियन काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब उसके जगह क्या हो गया, 6 एडवाइजर्स कर दिए गए। इसमें से भी इंडियंस भी हुआ करते थे इनके एडवाइजर। तो ये मेन काम किए गए जो है उस समय जो हुआ। इसके अलावा क्या किया गया, इस एक्ट में कहा गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत में एक फेडरेशन को बनाया जाएगा।
लेकिन इसकी शर्त कुछ थी। शर्त यह थी कि इस फेडरेशन में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस शामिल होंगे, सारे के सारे चीफ कमिश्नरी शामिल होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो अखिल भारत है उसको शामिल करेंगे वो इंडियन फेडरेशन में। ऐसी उनकी इच्छा थी और इस कानून के तहत वो ऐसा चाहते थे। तो इंडियन फेडरेशन में ब्रिटिश प्रोविंसेस को शामिल करेंगे, चीफ कमिश्नरीज को शामिल करेंगे और प्रिंसली स्टेट्स को शामिल करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ये था कि प्रिंसली स्टेट पे ये डिपेंड करता है कि वो भारत के फेडरेशन में मिलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये फेडरेशन तभी बनेगा जब 50% पॉपुलेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इस फेडरेशन में मिलने के लिए एग्री हो गया, और 50% प्रोविंसेस या 50% प्रिंसली स्टेट्स इसमें शामिल होंगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इससे दूरी बना ली, 50% जो है वो तैयार नहीं हुए, और इस वजह से ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का जो सपना था ये कभी साकार नहीं हुआ। तो ये इनेक्ट नहीं हो पाया, ये एक्ट नहीं हो पाया, ये फेल कर गया ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, द एक्ट इंट्रोड्यूस डायर्सी एट द सेंटर एबोलिस प्रोविंसियल डायर्सी। इसमें क्या हुआ कि डायरकी जो है वो जो अभी तक 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो डायरकी दी थी इन्होंने प्रोविंसेस लेवल पर, राज्य के लेवल पर, उसको तो एबोलिश कर दिया, उसको तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी, मतलब वहां पे क्या कर दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी, राज्यों में अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी और वहां पे काफी ज्यादा स्वतंत्रता दे दी। लेकिन सेंटर लेवल पे इन्होंने क्या किया, डायरकी स्टेबल कर दी, मतलब राज्यों में डायरकी खत्म हो गई, प्रोविंसेस में डायरकी खत्म हो गई, लेकिन केंद्र पर जो है वो डायरकी स्टेबल कर दी गई। एक्ट इंट्रोड्यूसर्स डायरकी एट द सेंटर, केंद्र पर हो गई डायरकी लेकिन एबोलिश द प्रोविंसियल डायरकी, राज्यों में डायरकी जो है वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। अब राज्यों में क्या किया, द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेबल कर दी गई। इसी एक्ट के द्वारा 1937 में चुनाव हुए थे जिसमें कि कांग्रेस ने जो है वो 11 में से 8 8 जो है राज्यों में सरकार बनाई थी। तो 1937 के एक्ट के द्वारा राज्यों में अब चुनाव की छूट हुई और पॉलिटिकल पार्टियां राज्यों में अपने मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते थे। कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को पूरी छूट थी कि वो कुछ काम कर सकते थे, कुछ सब्जेक्ट जो गवर्नर के पास रखे गए, सेंटर के पास रखे गए। द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, राज्यों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंसियल लेजिस्लेचर। अब जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करेगा और प्रोविंसियल लेजिस्लेचर इस तरह से बनाया गया। ये 1937 में इफेक्ट में आया, इलेक्शंस हुए, लेकिन 1939 में ही 2 ही साल में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर द फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ द टू हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। देखो मैंने बताया कि एक डायरकी बनाई गई कहां पे, सेंटर लेवल पर, जिसको क्या बोल रहे हैं, फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 भागों में, या ये कह सकते हैं कि इसको बाई कैम्बरल बना दिया गया। बाई कैम्बरल का मतलब है द्विसदनात्मक बनाया गया, सेंटर पर एक बाई कैम्बरल जो है वो हाउसेस बनाया गया, एक का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। अब लेजिस्लेटिव असेंबली आज की लोकसभा की तरह लोअर हाउस था और काउंसिल ऑफ स्टेट आज की राज्यसभा की तरह अपर हाउस था। अब जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसमें 375 मेंबर होते थे और जो अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट होता था इसमें 260 मेंबर होते थे। आते कहाँ कहाँ से थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के 375 में से 125 मेंबर प्रिंसली स्टेट से आते थे जो कि नॉमिनेटेड होते थे प्रिंसेस के द्वारा, इसमें इनका इलेक्शन कोई नहीं होता था, और 230 जो ये मेंबर थे ये ब्रिटिश इंडिया से आते थे और ये उस समय की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा क्या होते थे, ये इलेक्टेड होते थे। ठीक है, ये उस समय इलेक्टेड होते थे। इसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस था उसमें 260 मेंबर थे जिसमें से 156 लोग ब्रिटिश इंडिया से आते थे इलेक्शन के द्वारा और 104 प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा आते थे नॉमिनेशन के द्वारा। तो इस तरह से सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाते हुए, द्विसदनात्मक बनाते हुए जो है उसमें 2 हाउसेस बनाए गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा फेडरल लेजिस्लेचर। तीसरा क्या किया गया, प्रोविजंस वाज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट टू इंटर
interrupt the controversial clause of the act and to settle the dispute arising among the constituent units and between a unit and a federal government. एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, एक पूरे देश का एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जो क्या कर सके कि एक्ट में, किसी एक्ट में जो कंट्रोवर्सियल क्लाजेज हैं उसको सेटल कर सके, उस पर डिस्प्यूट पे चर्चा कर सके, उसको इंटरप्ट कर सकते हैं उसके डिस्प्यूट पर, साथ ही साथ जो प्रोविंसेस हैं गवर्नमेंट के जो यूनिट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर उसके बीच में, गवर्नमेंट की यूनिट्स क्या होते हैं, प्रोविंसेस या राज्य, और फेडरल का मतलब केंद्र, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, उसको भी सेटल डाउन करने के लिए एक फेडरल कोर्ट बनाया गया. भारत का सुप्रीम कोर्ट इसी मॉडल पे है. ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट किस मॉडल पे है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फेडरल कोर्ट के मॉडल पे है. इसमें उस समय कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा 6 जजेस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन द टर्म ऑफ 3 फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है पावर्स को केवल 2 भागों में बांटा गया था, एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरा फेडरल लिस्ट. ये कह सकते हैं फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, राज्यों की सूची और फेडरल केंद्र की सूची. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 3 लिस्टों में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, फेडरल लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट इसको आज कह सकते हैं, 59 आइटम थे इसमें, प्रोविंशियल लिस्ट या राज्यों की सूची इसमें 54 आइटम थे, और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची इसमें 36 आइटम थे. इसके बाद जो कुछ जरूरी पावर थी वो किसी के पास नहीं थी, वो थी किसके पास, वो थी वायसराय की रिजर्व पावर. ठीक है, तो वायसराय के पास कुछ स्पेशल पावर इसके अलावा थी. कुछ इसी तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन आज के भी संविधान में है. ये तीनों लिस्ट हैं, अब सब्जेक्ट्स बदल गए हैं. ठीक है, बाकी फेडरल लिस्ट के जगह पे सेंट्रल लिस्ट है, और प्रोविंशियल लिस्ट की जगह पे स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट की जगह पे कंकरेंट ही नाम से उसको जानते हैं. ठीक है, प्रोविजंस वाज मेड फॉर इलेक्टोरल सेफगार्ड एंड रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी, उनके सेफगार्ड्स के लिए भी प्रोविजन बनाए गए, इलेक्टोरल सेफगार्ड के प्रोविजंस बनाए गए, और उनके लिए इलेक्शंस में रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई. इसके अलावा क्या किया गया, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था नहीं, या इसको कह सकते हैं धार्मिक रिप्रेजेंटेशन, या इसको कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड जो है उसको और बढ़ा दिया गया. और बढ़ा के कहां तक कर दिया गया, इसके पहले जो है इसको मुस्लिम्स के लिए लागू किया गया था, ये 1919 में पहले मुस्लिम के लिए, फिर फर्दर बढ़ाया गया. अब इसको बढ़ाया किसको गया, सिखों के लिए भी बढ़ा दिया गया, वुमेन्स के लिए भी बढ़ा दिया गया, एससी के लिए, शेड्यूल क्लास या डिप्रेस क्लास के लिए भी बढ़ा दिया गया, लेबर्स के लिए भी बढ़ा दिया गया, लैंडलॉर्ड्स के लिए भी बढ़ा दिया गया. तो अब बहुत हो गया, अब तो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, वुमेन हो गया, लेबर हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड करने की पॉलिसी बना दी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के माध्यम से. साथ ही साथ क्या हो गया, इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. यही अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो वायसराय की इंडियन काउंसिल थी या उसकी कार्य परिषद थी उसको खत्म कर दिया इसने, और क्या कर दिया, इसके जगह पर क्या कर दिया कि एक एडवाइजर्स की टीम जो है बना दी गई. ये जो कार्य परिषद थी या भारत परिषद इसको बोलते थे, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा बनाई गई थी, और इसमें उस समय 15 मेंबर्स हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स होते थे. बाद के टाइम में इसमें फिर इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियंस मेंबर की संख्या बढ़ाते रहे, लेकिन 1935 में इसको खत्म कर दिया. और अब क्या हो गया, काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर जो है वो टीम ऑफ एडवाइजर हो गए, जिसमें कुल 6 एडवाइजर रखे गए. इसी के साथ क्या किया गया, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट. इसमें क्या हो गया, फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट बनाई गई और 10% जनता को वोटिंग राइट भी मिला इसके द्वारा, क्योंकि मैंने बताया प्रोविंसेस में क्या हो गया, अब जो है डायरेक्टली खत्म हो गई और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी, तो राज्यों के लिए इलेक्शंस भी हुए और
मुस्लिम लीग और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इसमें जीत हासिल करी। और मुस्लिम लीग तो सरकार नहीं बना सकी किसी राज्य में, लेकिन कांग्रेस ने कई काफी राज्यों में सरकार जो है वो बना ली। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। एक फेडरल बैंक बनाया गया जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि क्या करता, भारत की करेंसी और उसकी साख को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसकी साख को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ये कहा गया। ठीक है, और फिर क्या कहा गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक केंद्रीय जो है लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जैसा कुछ, एक सर्विस कमीशन बनाया गया। ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक प्रोविंस का मतलब है राज्य लोक सेवा आयोग जैसा कुछ बनाया गया। एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर टू आर मोर प्रोविंसेस, और जिन कुछ दो राज्यों के लिए अगर मिला के बनाना पड़ा तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसको यूपीएससी यूपीपीएससी से ही आप एक तरह से कुछ मैच कर सकते हैं, और कुछ राज्यों में जिसका अपना जो है नहीं था, वो दो राज्यों के लिए भी एक कंबाइंड जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं। तो आपको पता है, अब एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, कितने आर्टिकल हैं, 321 आर्टिकल, 10 शेड्यूल थे। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, डायरेक्टली खत्म कर दी गई, और केंद्र लेवल पर डायरेक्टली शुरू कर दी गई। केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया, एक हाउस का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट, और ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई। कहा गया अगर 50% प्रिंसली स्टेट्स राजी होते हैं तब बनाया जाएगा, लेकिन ये कभी बन नहीं सकी क्योंकि 50% जो है प्रिंसली स्टेट्स राजी ही नहीं हुए। इसी के साथ राज्यों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई। 1937 में इलेक्शन कराए गए राज्यों के लिए। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बना दिया गया, 375 मेंबर लोअर हाउस में, या उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, 260 मेंबर अपर हाउस में, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसी के साथ एक ऑल इंडिया कोर्ट या फेडरल कोर्ट बनाया गया, जो कि आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा ही था। 1935 के इस एक्ट के द्वारा 1937 में यह पावर में आया, कुल मैक्सिमम 6 जज हो सकते थे, लेकिन उस समय एक सुप्रीम जज और दो और थे, कुल 6 जजों हो सकते थे, लेकिन अंतिम पावर जो है लंदन की प्रिवी काउंसिल के पास था। अगर यहां से फाइनल नहीं होता तो प्रिवी काउंसिल तक मुकदमा लड़ना पड़ता। ठीक है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई 3 लिस्ट में, एक थी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी थी कनकरेंट लिस्ट, और जो कुछ जरूरी पावर्स थी वो वायसराय के हाथों में थी। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी वायसराय के हाथ में ही थी। ठीक है, इसने क्या किया, माइनॉरिटीज को इलेक्ट्रोल सेफगार्ड दिए, रिजर्वेशन दिए इलेक्शंस में, और साथ ही साथ क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया गया। महिलाओं को, एससीज को, लेबर्स को और लैंडलॉर्ड्स को भी अब कम्युनल अवार्ड के तहत जो है ले आया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको खत्म करके एडवाइजर बना दी, की एक टीम बना दी गई जिसमें 6 एडवाइजर थे। हाँ, एक और बात है कि देश में एक अखिल भारतीय सेवा या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, राज्यों में एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसके साथ इन्होंने कुछ और चीजें की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया कि कुछ राज्यों में, कुछ प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया। जैसे आज कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वैसे उस समय इन्होंने कुछ राज्यों में बाइकैमरलिज्म लागू कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ऐसे काफी राज्य हैं 8 के लगभग इस समय। उसी तरह से उन्होंने उस समय 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म शुरू किया। ये राज्य थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। इसी के साथ उन्होंने कुछ राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया या प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन किया। सबसे पहले क्या किया, सिंध को बॉम्बे प्रोविंस से अलग कर दिया, सिंध राज्य को बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट कर दिया। बिहार और ओडिशा को सेपरेट प्रोविंस बना दिया, स्प्लिट कर दिया दोनों को, बिहार को अलग और ओडिशा को अलग।
बर्मा को भारत से पूरी तरह से सेपरेट कर दिया, बर्मा को भारत से एकदम से अलग कर दिया गया। और इसीलिए जो है अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होता था, अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा कहलाने लगा। फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई रेलवे की मैनेज करने के लिए, एक फेडरल एक केंद्रीय रेलवे अथॉरिटी बनाई गई। और जो है इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है अलग से रेल बजट की भी व्यवस्था हुई। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इस एक्ट में, इसको एक बार आप समराइज कर लीजिए। अब आपसे इसके अलावा जो कुछ सवाल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि अभी आपने कहा कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी मेन बात है जिसको इस एक्ट से डाला गया है, तो इसको हेडिंग वाइज एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो फेडरलिज्म डाला गया, भारत एक यूनियन है तो कई सारे छोटे छोटे राज्यों को मिला के इसको यूनियन बनाया गया होगा। तो ये फेडरलिज्म की व्यवस्था डाली गई 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैंने बताया था कि केंद्र के लिए अलग सूची, राज्यों के लिए अलग, उस समय उसको बोलते थे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसी तरह से आज जो है वो अलग अलग तीन लिस्ट हैं, एक है सेंटर लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को मैं केवल यूनियन कानून बनाती है, प्रोविंशियल लिस्ट में केवल राज्य कानून बनाते हैं और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। फिर डायरकी एट सेंटर, ठीक है, 1919 के एक्ट के द्वारा डायरकी एट प्रोविंशियल प्रोविंसेस किया गया था, राज्यों में डायरकी बनाई गई थी। अब राज्यों में डायरकी खत्म कर दी गई थी और स्टेट में डायरकी लागू की गई थी। इसी तरह से आज भारत के संविधान में भी स्टेट में जो है वो डायरकी है, ठीक है, और इस कई सारे स्टेट में बाई कैमरलिज्म भी है, बाई कैमरल नेचर है, विधान परिषद और विधानसभा भी है, ठीक है। तो डायरकी एट सेंटर, सेंटर में दो तरह का द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, दो द्वैध शासन है, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। इसी तरह से कुछ स्टेट्स में भी है लेकिन सेंटर में है एक राज्यसभा दूसरी लोकसभा, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑल इंडिया कोर्ट उस समय बनाया गया था जिसे फेडरल कोर्ट बना कहते हैं। इसी की तरह ही भारत में इस समय सुप्रीम कोर्ट है जो कि फेडरल कोर्ट ही है, ऑल इंडिया कोर्ट है। डायरेक्ट इलेक्शन, द एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन एंड इंक्रीज टू फ्रेंचाइजी फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन। भारत में चुनाव हुए तो भारत की पॉपुलेशन लगभग 32 से 35 करोड़ थी, तो लोगों को उस समय 1935 के एक्ट के द्वारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की छूट दी गई। आज भी भारत में एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोगों को इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब 18 प्लस के जो लोग हैं वो लोग वोट दे सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमरजेंसी पावर, उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें कहा गया था कि ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी वाज गिवन टू प्रोविंसेस बट ब्रिटिश अथॉरिटी रिटेन टू राइट टू सस्पेंड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दिस इज द जीनियस ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द सेंटर। उस समय राज्यों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई, कहा गया आप बहुत सारे आज़ादी है, अब आप अपने हिसाब से कानून, अपनी जो जो पार्टी जीती जैसे कांग्रेस 8 स्टेट में जीती तो 8 स्टेट में वो अपने हिसाब से कानून लागू कर सकते थे कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। लेकिन फिर भी कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब चाहे सस्पेंड कर सकती है कुछ कानूनों के तहत। उसी तरह से आज भारत सरकार में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है जिसमें जो केंद्र है वो राज्यों की सरकार को तब सस्पेंड कर सकता है जब राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या कह सकते हैं संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और बहुत सारे बार ऐसा हुआ है, पंजाब में सबसे ज़्यादा बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ऑफिस ऑफ गवर्नर उस समय एक स्टेबल किया गया था, आज भी है। और पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और
राज्य लोक सेवा आयोग अलग अलग राज्यों की यूपी पीएससी एमपी पीएससी जैसे आयोग जो है वो आर्टिकल 315 के तहत आ जाते हैं, उस समय जो बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो ये सारे प्रोविजन मेन मेन रूप से भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में लिए गए हैं। टोटल आर्टिकल 321 थे जिसमें से 250 के लगभग डिक्टो लिए गए हैं या थोड़ा बहुत हेर फेर करके लिए गए हैं। तो हमें लगता है कि अब आपको इसको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ आप नोट्स वगैरह बना लीजिएगा और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।